सो वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज शिवानी केस्वानी। आज हम बुक्स के रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई बुक पर चर्चा करेंगे, क्यों ये बुक बेस्ट है और काय के लिए आपको खरीदनी चाहिए। मैंने खुद ये यूज की है और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहती हूँ कि मुझे ये बुक क्यों अच्छी लगी। तो आप किसी भी 10th लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 10th लेवल का है या 12th लेवल का है, तो उसके लिए मैं कहूंगी इससे बेटर बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं। ये मैथ्स की बुक है, आर एस अग्रवाल ने, माथुरिया। ओके, तो ये बुक दो आती हैं इस तरीके की, एक तो ये वाली बुक है और एक ये वाली बुक है। ये थोड़ी सी फट गई है, बहुत ज्यादा पहले मैंने खरीदी थी, तो ये भी माथुरिया की बुक है। तो बस इसमें डिफरेंस यही है कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है, इसमें थोड़े क्वेश्चंस कम है और इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, बाकी एक्सप्लेनेशन एकदम सेम है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स के लिए बेस्ट बुक क्यों है। तो देखिए, मैंने जहां तक इसका मैंने इसको जहां तक पढ़ा है तो मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि हम जब 10th लेवल या 12th लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत चाहते हैं कि हमें बेसिक से कोई पढ़ा दे। ठीक है, तो हम इधर उधर वीडियोस देखने लगते हैं, लेकिन वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैथ्स में आपको चाहिए रहती है सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने रहते हैं। तो इस बुक में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, इसलिए मैंने इस बुक को आपको प्रेफर किया है। तो आइए इसकी सब्जेक्ट लिस्ट देखते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से इनको कवर किया गया है। तो जहां आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला ही टॉपिक ये है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इस बुक से ये पता चलता है कि कितना बेसिक से ये आपको पढ़ाती है। तो ये देखिए, ये पहला टॉपिक हो गया, इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, किस तरीके से आप स्पीड अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, फिर स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स है, सर्ज इंडाइसेस है, अल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से सारे चैप्टर्स इसमें कवर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और जो भी चैप्टर्स होते हैं, सारे चैप्टर्स इसमें कवर्ड हैं। मैंने मैथ्स पे वीडियोस अच्छे से बना रखे हैं कि कैसे आपको जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और किस चैप्टर से आपको स्टार्ट करनी चाहिए, एकदम डिटेल में मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बाकी इस बुक को खरीदने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एकदम डिटेल से बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पे दिया हुआ है। हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख ही लीजिएगा यहाँ पे नंबर सिस्टम किस तरीके से दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और ये नंबर सिस्टम में यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, नंबर क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, एक एक चीज एकदम डिटेल में आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझाया है। और यहाँ पे फिर कॉम्पोजिट नंबर्स, यहाँ पे इंटीजर नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एक एक की डेफिनेशन बहुत ही डिटेल मैनर में और ऐसे बताइए जैसे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इस वजह से ये बुक मुझे बहुत ही पसंद है। देखिए, ये पूरा इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये सारा थ्योरी दे रखा है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आके आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस के क्विजेस डालती रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। छोटी वाली बुक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो पता नहीं बड़ी वाली बुक में कितने क्वेश्चंस होंगे। तो वही क्वेश्चन की क्वांटिटी का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, ये 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं। और फिर उनका डिटेल में आंसर भी दिया हुआ है किस तरीके से उनको सॉल्व किया गया। तो एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे सिखाया जाता है ना, जिस तरीके से हमें समझ में आता है, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते थे, उस तरीके से इस बुक में समझाया गया है। इसलिए मैं आपको ये बुक प्रेफर करूंगी। अगर आप किसी भी 10th लेवल, 12th लेवल या अगर आप ग्रेजुएट की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल में आप अपना बेस इससे बना सकते हैं। उसके आगे आपको आरएस अग्रवाल या फिर एसएससी की और भी बुक्स आती हैं, उसको आपको कैसे यूज करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी।
ठीक है। बाकी आप इसको, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आती है, इवन यूपीएससी में भी मैथ्स आती है, लेकिन यूपीएससी ग्रेजुएट लेवल है, तो मैं सिर्फ 10th और 12th लेवल के सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये बुक प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है और इसमें वो सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो 10th और 12th लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, उससे ऊपर का लेवल इसमें नहीं देखेंगे आप। तो सारे लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। आप क्या करते हैं, आरएस अग्रवाल ले लेते हैं और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आप बहुत ही ऊंचे लेवल की तैयारी कर लेते हैं और अपने दिमाग पे प्रेशर खामखा बनाते हैं जो कि जरूरत भी नहीं है। इसलिए आप तैयारी अपने लेवल के एग्जाम के जितनी कीजिए, जिससे कि आपका प्रेशर भी बिल्ड ना हो और सारे सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसका जीरो से कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है मैथ्स की, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे जाके देखिए। एक एक चीज आपको मैंने डिटेल में बताई है कि किस चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है, फिर किस चैप्टर पर जाना है और किस तरीके से आपको मैथ्स के जो फॉर्मूलेस भूल जाते हैं या मैथ्स के क्वेश्चंस भूल जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर की हैं। तो आप जाके वो वीडियो जरूर चेक कीजिए। बाकी आप मेरे को बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, और खरीद के जरूर देखिए, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरी सॉल्व करके रखी है, तो आप खरीद के देखिए, आप बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। बाकी आप चाहते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप सर को कॉल कर सकते हैं, और हमने एमटीएस के ग्रुप्स बना रखे हैं, गर्ल्स के अलग बनाए हैं, बॉयज के अलग बनाए हैं, तो अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहें तो आप सिर्फ नीचे जो नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उस जो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रखिए, बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।